ओ सेट 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 आ में जान लाग्यो ठ्याक्कै पैसा लिएर। कोप्रो वाला फिल आ गया यार। अल्ट्रा वाइड डेंस का भी सेटिंग दिया हुआ है यार। ए हे सब मार्कों का व्यू। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय न्यू यूट्यूब चैनल विथ न्यू वीडियो। आई होप गाइस आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे एंड बढ़िया ही रहना चाहिए, तो मैं भी बढ़िया ही हूँ। मैं ना आज कॉलेज जाने वाला हूँ, कॉलेज जाने के टाइम पर ब्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग तो किया है लेकिन मेरा मोबाइल टूट गया था, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। कमेंट कर दीजिए कैसा रहता है मेरा वीडियो, और हिंदी भी अच्छा नहीं है, कमेंट कीजिए कैसा लगता है मेरा हिंदी। तो गाइस अब मैं भी निकल चुका है इधर से, वहाँ से निकल चुका है, कॉलेज होगा आधा घंटा का। सीन मुझे पता नहीं गाइस, सीन कैसा आ रहा है अभी चेक करना पड़ेगा उधर रुक के। एंड मैं ज़्यादा शोर मचा रहा हूँ, धीरे से बोलना चाहता हूँ। वीडियो का क्वालिटी कैसा है, वीडियो कैसा आ रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो उधर चेक करने वाला है। उधर ऊपर रोक के दिल का दरिया बही गया, तो गाइस हम इधर चेक करेंगे। हाँ इधर चेक कर, तो गाइस हमने अभी सीन चेक किया, सीन काफी बढ़िया आ रहा था, कमाल के भाई, लगता है गोप्रो ये सीन ऐसा आ रहा था। अब मैं क्या बोल रहा था कि गाइस मैं जब घर से आया था तो मुझे लगा था कि मैं सब सामान ले लिया, और जब बाइक के पास आके देखा तो मेरे पास में चाबी नहीं था, चाबी भूल गया यार। मैं कितना बार कर चुका हूँ ऐसा हरकत, मतलब मेरा भूलने का बीमार जैसा ही है यार। बाइक पे जाना है तो बाइक का चाबी तो होना चाहिए ना, लेकिन बाइक का चाबी भूल जाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, डबल टाइम वेस्ट करना पड़ा और कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम जल्दी जाना पड़ेगा। आज मैंने अभी आपको आगे ही बता चुका हूँ कि मुझे हिंदी अच्छा से नहीं आता है, फिर भी मैं हिंदी में ही ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार नेपाल का लोग का ब्लॉगिंग ना इंडियन लोग को भी पसंद आता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं ना हमारा लैंग्वेज, इसीलिए मज़ा नहीं आता वीडियो देखने में थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ। हिंदी तो सबको आता है ना, नेपाल में भी और सीरियल देखता है सब लोग, इसलिए हिंदी आता है तो मैं हिंदी में ही बनाऊँगा ऐसा सोचते मैंने। मुझे हिंदी अच्छा से तो नहीं आता, फिर भी हिंदी में बना रहा हूँ ब्लॉग। अपलोड का मज़ा ही अलग है भाई, लेकिन क्या करें, अपलोड वाला बाइक नहीं है इसलिए मज़ा ही नहीं है। हम निकल चुके हैं अभी रोड पे, अब मज़ा आएगा गाइस, रोड अच्छा है इधर का, ऑफ रोड से तो यही अच्छा है। घास भी है, कुत्ते भी है, सब इन लोग का स्थान बना लिया इन लोगों ने, देखो मज़ा ही अलग है भाई, मज़ा ही अलग है। या भाई मुझे जाना पड़ेगा राइट साइड, वैदिक कैसा। हम निकल चुके हैं इधर दीदी का होटल से, चाय पीना था तू रुक लिया, परचेस किया था मेरा जूता का हालत देखो क्या हुआ, गंदे हो गए यार पूरी तरह और बुरी तरह। कितना कठिन हो गया यार ये काम, पैसा है यार पैसा, सब कुछ पैसा है यार, जो कुछ काम करना चाहते हो वो सब कुछ काम कर लो, लेकिन क्या होना चाहिए भाई, पैसा पैसा है तो इज्जत है, आला कौन बोलता है भाई, पैसा है तो इज्जत को मायने नहीं रखता है, पैसा है तो इज्जत भी खरीदा जा सकता है। सब कुछ देख चुका हूँ कि पैसा क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम जितना कहेंगे उतना ही कम है। फाइनली हम चितलांग पर पहुँच चुके हैं गाइस, चितलांग का व्यू देखो बहुत अच्छा है यार। हम अभी कॉलेज पहुँचने ही वाले में है, मैं चलता हूँ दोस्त के रूम में, कोई टाइम क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कॉलेज स्टार्ट हो गया तब जाके आता हूँ मैं, उसके पार काठमांडू है और उसके इधर चितलांग है, इधर से सिर्फ 20 किलोमीटर ही होगा। जो लगता है मैं लेट हो चुका हूँ कॉलेज के लिए, तो मैं जाना पड़ेगा सीधा कॉलेज पर, तो आप लोग को कॉलेज भी दिखा देता हूँ मैं। अगर ऐसा रोड में क्रॉस फायर होता तो मज़ा आता यार, का तो सपने होगा ब्लॉग करना अच्छा से, लेकिन सबका सपना एक जैसा पूरा नहीं होता, मेहनत करो भाई, पैसा कमाओ और सक्सेस बन जाओ।
का कॉलेज में जाता हूँ। लोग कहते हैं ऐसा ब्लॉग बनाने में कॉन्फिडेंट नहीं आता है, मुझे लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंट आ रहा है मुझे, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं आ रहा है मुझे, हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है। हमारा कॉलेज यहाँ से जाता है गाइस। क्या करते हो भाई, रेस खेलना चाहता है क्या? अच्छा तो फिर आजा। संभल जी बोल रहे हैं हमारा कॉलेज चालू हो चुका है। निकल चुके कॉलेज से, क्या हुआ तेरा बड़ा, पढ़ाई कम और खेल ज़्यादा होता है यार। फाइनल गाइस हम कॉलेज से निकल चुके हैं, तो सबसे फर्स्ट हम जाएंगे मारखू पे, बुलेखानी मारखू पे। इतना मेरा बैंक पे एक छोटा सा काम है, चेक लेके जाना है मुझे, पैसा लेकर फिर से जाना है। तो सबसे पहले जाना है मुझे मारखू। तो हम अभी चितलांग से भी निकल चुके हैं, हम अभी पहले मार्ग जाएंगे और चेक ले, चेक साड़ के और क्या बोलता है, चेक साड़ के ही बोलते हैं, चेक साड़ के पैसे लेंगे और आलंग चला जाएंगे। पता नहीं मेरे को इस हेलमेट पहनने के बाद ना मुझे क्यों सर दर्द होता है यार, दर्द दर्द फॉर लाइफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, देख सकते हो सामने का व्यू, अच्छा है गाइस, अच्छा है। पता नहीं इस मोबाइल में कैसा आ रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि अच्छा ही है ना, इसीलिए होगा। अरे भाई कितनी अच्छी व्यू आ रहा है ना, सुबह क्या लगा था मुझे इस कैमरा का परफॉर्मेंस दिखे गोप्रो वाला फील आ गया। इसमें ना अल्ट्रा वाइड लेंस का भी सेटिंग दिया हुआ है आप लोग का, रेडमी 10 प्रो मैक्स में, बहुत अच्छा है वाइड। बस मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता था कि मेरा डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि गुस्से में मैंने मोबाइल अपना मोबाइल तोड़ दिया था वन प्लस 5, और इसी वजह से मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रहा था। अब मैंने वन प्लस 5 को रिपेयर भी कर दिया, रिपेयर करके मैंने चला लिया है, देना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा रोड बीच में चलने के लिए रोड नहीं होता है यार, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होता है रोड पर चलने वाला, उनका भी गलती होता है। एक्सीडेंट का केस में देखो तो रोड बीच में चल रहा है, ज़्यादातर लोगों का यही गलती होता है भाई यार, एक्सीडेंट का कारण भी यही होता है, तो कैसे नहीं होता भाई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का केस में गलती सिर्फ गाड़ी वाला का ही नहीं होता है, थोड़ा गलती तो उन लोगों का भी होता है यार। ए हे सब मार्क का व्यू सब दिख रहा है, चेक सामना था इस ही पर है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ही पता नहीं है, हिंदी अच्छा से आता होगा तुम ना कॉन्फिडेंट के साथ कहता ना, लेकिन हिंदी बोलने से पहले इसको ऐसा बोलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, कन्वर्ट करना पड़ता है दिमाग में पहले से ही, और इसीलिए कन्फ्यूज होता हो ना, इसीलिए लड़बड़ हो रहा है। फिर कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द हिंदी सीखने वाले हैं। पहला ब्लॉग बना दिया मैंने नेपाल का, और देखो ओ ओ सेट 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 आ। इस मोबाइल पे ना धूप में बहुत अच्छा सीन देता है यार, सैचुरेशन बढ़ा देता है, सेम आईफोन के जैसा, ये अच्छा लगा मेरे को। काफ़ी अच्छा मौसम भी है, काफ़ी अच्छा रोड भी है, काफ़ी अच्छा दिन भी है, अच्छा दिन हमेशा रहता तो कैसा मज़ा आता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का हवा पानी देखो तो ऐसा ही है, कितना कूल है, कूल मतलब चील करने का मौसम है, इतना गर्मी भी नहीं ठंडा भी नहीं, आनंद का मौसम है यार। फिर से ऑफ रोड शुरू हो गया, आनंद ले रहा था तो आनंद लेने नहीं देता है।
ओ भाई कितनी अच्छी लड़की थी, लेकिन क्या करें हम अच्छा नहीं है ना, इसीलिए सुपे हम अच्छा नहीं है तो लड़की का एटीट्यूड शुरू हो ही जाता है। तो कोई भी हो यार, लड़की अच्छी थी पर तो ऑफर ज्यादा ऑफर है यार क्रॉस फायर के लिए तो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। माया को ढोरी ले तिमले बदला, इसके बाद मुझे गाना भी नहीं आता है, दिमाग में ना कुछ 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 आधा आधा ही आता है, उसके बाद नहीं आता है। होता क्या है मुझे खुद को पता नहीं है, सब लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं, पता नहीं मैं कहाँ का जोकर दिख रहा हूँ। ऐसा तो लगता है कि जब मेरा ब्लॉग कोई देखेगा ना, इधर गांव का ही लोग देखेगा ना, तुम मेरे ऊपर हंसेगा, जरूर हंसेगा। हम सीधा चले जाएंगे पालंग, इसको कहता था पत्रपर, इस ठाव का नाम यही है। इधर से शॉर्टकट है, शॉर्टकट रोड है, मैं इधर से ही चला जाऊंगा क्योंकि जल्दी पहुंचना है ना मेरे को। जो भी लड़की दिखता है तो साला मन में लोटू फूट जाता है, ये लड़के का प्रॉब्लम है क्या बताऊं। दिल का दरिया बह ही गया। लाइसेन्स अनिवार्य गरेको थियो, बोक्ने गरेको थियो जहिले हजुर ए सिट काटेर यस्तो क्या सर, जहिले बोक्ने गरेको थियो आज हजुर घर यतै हो त मेरो उयो मार्खु कुलेखानी। बिल बुक आज बिर्सेछ भने सर, बिर्सेछ भन्नाले अब हाल्थेँ त्यही पछाडि झोलामै हालेर हिँड्यो भने चाहिँ, हिजो फेरि खाली गरेर उता एकैछिन जानुपर्ने भएको थियो। के केलाई चेकिङ भएको छ यहाँ, बाइक गाडीले मात्र हो, जम्मैले चेकिङ हुन्छ, अटो फटो छ, जम्मैले चेकिङ हुन्छ, सोध्नु पऱ्यो नि होइन, कति मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। एकचोटिको लागि छुट गरिदिनु भने तपाईँहरूले मेरो काट्दैन, म गइहाल्छु सर, म उही त्यो खाना बजार त्यसको फेरि मिसिन बिग्रिएको अरे। आज मैं बिल बुक भूल गया था यार, मूड खराब कर दिया यार, बिल बुक डालना भूल गया मैं, अच्छा क्या कहूँ मेरा दिमाग ही ऐसा ही है, मैं 500 का चीट कर दिया यार, अब जाके ATM से पैसे निकालना पड़ेगा, ऐसा बैड लक होता है। जब बिल बुक और लाइसेंस दोनों मेरे पास में होते तो कभी चेकिंग नहीं करते, कल मैंने बैग खाली की तो मैंने बिल बुक भी उधर ही रख दिया था, तो मैंने भूल ही गया, एक बार के लिए तो छोड़ देना चाहिए था यार, अब रिग्रेट हो के भी क्या फायदा। थोड़ी देर मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं साइलेंट रह गया, अब हम पालन में पहुंच गए, ऐसे भी करके पैसा का एडजस्ट होना होगा। ओ इधर पूछ लेता हूँ कि मैं ATM में, तो गाइस मेरा काम अभी ख़त्म हो गया इधर का, तो मैं वापस घर में जा रहा हूँ। मैं भी अब ख़त्म हो गया तो अब मुझे लगता है मेरा ब्लॉग भी यहीं पर एंडिंग करना पड़ेगा। तो गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आया और मैं भी आया तो कमेंट कर दीजिए, ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा हिंदी आप लोग को कैसा लग रहा है। आने वाला दिन में ना मैं अच्छे से ट्राई करूँगी, हिंदी अच्छे से बोलना सीखूँगी, जैसा लगता है रिएक्शन दे दीजिए आप लोग, अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा नहीं है दे दीजिए। सो गाइस यही रहा आज का सफ़र, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं डेली ब्लॉग बनाने के ट्राई करूँगा। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय एंड आप लोग का शुभ दिन होगा।